हाँ मम्मी। अच्छा सुन बिट्टू, आते वक्त एक भगवान की फोटो ले आई हो। आज पूजा है, पंडित जी घर आ गए। अरे यार मम्मी देखो, मुझे दिवाली पार्टी में जाना है आकाश के यहाँ, वहाँ पे बहुत सारी तैयारियां करनी है। ये भगवान भगवान के काम मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या बोला? मम्मी मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, प्लीज आप या तो खुद चली जाओ या। अजी सुनते हो, बिट्टू मना कर रहा है फोटो लाने से। ठीक है। अच्छा हाँ हाँ ले आऊंगा। अच्छा ठीक है जल्दी से ले आई। भगवानों ने और नाक में दम कर रखा है यार, फोटो लाओ। भैया भगवान की कोई फोटो दे दीजिए। बताइए कौन से भगवान की? अरे कोई सी भी दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई लेकिन कौन से भगवान की? क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए ये शिव की तस्वीर अगर मैं लूं तो क्या फर्क पड़ता है? ये कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या करते थे, कुछ पता है आपको? देवों के देव हैं शिव, महादेव, सर्वव्यापी। शिव के नाम का अर्थ होता है शुभ, एक ओम का प्रतीक है, जिन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता है। महान तपस्वी होने के साथ साथ कामुकता का प्रतीक भी है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं गणेश जी की तस्वीर ले लूं तो? गण का अर्थ होता है सभी नामों और रूपों में विद्यमान प्राणी, और ईश का अर्थ होता है भगवान, उसी से बना है गणेश। मानव प्रयासों की सफलता सुनिश्चित करते हैं, बुद्धि और लाभ का प्रतीक है भगवान गणेश। अच्छा मैं अगर ये कृष्ण जी की तस्वीर लूं तो? एक सक्षम राजनेता, योद्धा, महान दार्शनिक और शिक्षक के रूप में माने जाते हैं। 16 कलाओं के स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, प्रेम भक्ति और आनंद का प्रतीक। भैया अगर मैं ये लक्ष्मी जी की तस्वीर लूं तो? लक्ष्मी जो शब्द है ना, वो लक्ष्मी से बना है, संस्कृत का शब्द लक्ष्मी से, जिसका अर्थ होता है लक्ष्य, धन, संस्कृति, सांसारिक समृद्धि और आध्यात्मिक संपूर्णता की देवी हैं लक्ष्मी जी। सौंदर्य, प्रेम और परिपूर्णता की देवी हैं लक्ष्मी जी, ये लक्ष्मी जी। भैया आप ना एक लक्ष्मी जी की, एक गणेश जी की और एक शिव जी की तस्वीर दे दीजिए। अरे राजू ये पैक कर दियो भाई। भैया आपसे एक बात पूछूं? हाँ बताओ। आप किस भगवान में मानते हो? माफ करना मेरी नमाज का टाइम हो गया। सर हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली। मैंने पूछा खुदा से कि तू मुझको मिलेगा कहाँ।